हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल एजुकेशनल हाइक्स। माय नेम इज़ प्रेम पांडे और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास टेंथ की द फर्स्ट फ्लाइट बुक इंग्लिश की चैप्टर नंबर 2 लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। नेल्सन मंडेला के द्वारा ये लिखी गई उनकी खुद की ऑटोबायोग्राफी है। उस बुक का नाम था लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम और उस बुक से ये चैप्टर छोटा सा हिस्सा है, उसका सेकंड पार्ट हम पढ़ रहे हैं। पार्ट 1 हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 2। अगर आप नए विजिटर हैं तो प्लीज़ हिट द रेड बटन, वहां से सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए शुरू करते हैं, हमें स्टार्ट करना है यहाँ से। द डे वॉज सिम्बलाइज फॉर मी बाई द प्लेइंग ऑफ आवर 2 नेशनल एंथम्स। तो नेल्सन मंडे, इसमें जितनी भी बातें लिखी गई हैं वो नेल्सन मंडेला के खुद के लैंग्वेज में है, तो जितनी भी चीज़ें हैं वो फर्स्ट पर्सन में है। चलिए स्टार्ट करते हैं। द डे वॉज सिम्बलाइज फॉर मी बाई द प्लेइंग ऑफ आवर 2 नेशनल एंथम्स। नेल्सन मंडेला कहते हैं वो दिन मेरे लिए सिम्बलाइज किया गया, वो दिन मेरे लिए यादगार बना बाई द प्लेइंग ऑफ आवर 2 नेशनल एंथम्स, क्योंकि उस दिन मेरे देश के 2 राष्ट्रगान गाए गए। एंड द विजन ऑफ वाइट्स सिंगिंग कोसी सिकिलल ई अफ्रीका। जो गोरे लोग थे वहां पर, आप सबको पता है साउथ अफ्रीका में 2 वर्ग के लोग रहते थे, एक वाइट्स और एक ब्लैक्स। तो जो गोरे लोग थे उन्होंने नेशनल एंथम गाया कोसी सिकिलल ई अफ्रीका, ये गोरे लोगों का राष्ट्रगान था। और ब्लैक्स ने क्या गाया, डाई स्टेम, ये काले लोगों का राष्ट्रगान था। द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक। अब ये जो डाई स्टेम राष्ट्रगान था ना, ये साउथ अफ्रीका का पुराना नेशनल एंथम था। Although that day neither group knew the lyrics of the anthem they once despised. यहाँ पर वो कह रहे हैं कि उस दिन ना तो ब्लैक्स जानते थे लिरिक्स अपने नेशनल एंथम का, ना तो वाइट्स जानते थे। अब यहाँ पर थोड़ी सी कन्फ्यूज़न हो जाती है, थोड़ा सा ध्यान से समझना। जब ब्लैक्स अपना नेशनल एंथम गा रहे थे तो वाइट्स लोगों को भी ब्लैक्स का नेशनल एंथम गाना था, लेकिन उन्हें ब्लैक्स के नेशनल एंथम का लिरिक्स याद नहीं था क्योंकि उन्होंने कभी गाया नहीं था। सेम कंडीशन ब्लैक्स के साथ भी थी, जब वाइट्स अपना नेशनल एंथम गा रहे थे तो ब्लैक्स को भी नेशनल एंथम नहीं आ रहा था, तो वो क्या कर रहे थे, वही यहां पर लिखा है। उन्होंने कहा है कि नाइदर ग्रुप न्यू द लिरिक्स ऑफ द एंथम, ना तो ब्लैक्स ना तो वाइट्स, उन दोनों में से कोई ग्रुप नेशनल एंथम का लिरिक्स, नेशनल एंथम का वर्डिंग नहीं जानता था। ऐसे नेशनल एंथम दे वंस डिस्पाइज्ड, क्योंकि ये दोनों नेशनल एंथम को एक दूसरे क्या करते थे, कभी उन्होंने घृणा किया था, कभी उन्होंने इस नेशनल एंथम से नफरत की थी। ब्लैक्स वाइट के नेशनल एंथम से नफरत करते थे और वाइट्स ब्लैक्स के नेशनल एंथम से नफरत करते थे। लेकिन नेशनल मंडेला आशा जताते हैं कि वो नहीं जानते तो क्या हुआ, लेकिन सून जल्द ही वो उन वर्ड्स को, उन नेशनल एंथम के लिरिक्स को दिल से जान जाएंगे, दिल से याद कर लेंगे। ऑन द डे ऑफ इनॉग्रेशन, शपथ ग्रहण समारोह के दिन क्या हुआ था, आई वॉज ओवरवेम्ड, मैं भाव विभोर हो गया था, विथ अ सेंस ऑफ हिस्ट्री, मैं इतिहास को याद करके भावुक हो गया था। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी, इस 20वीं शताब्दी मतलब 1901 से लेकर 1999 तक का समय, उस समय में इन्होंने कहा कि इन द फर्स्ट डिकेड, जो 1901 से लेकर 1910, ये जो पहला दशक था 20वीं शताब्दी का, अ फ्यू ईयर्स आफ्टर द बिटर एंग्लो बोअर वार, और ये समय कब का था, कुछ सालों बाद जब इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के बीच युद्ध हुआ था, उसके कुछ सालों बाद का ये समय है। ये समय तब का है जब नेल्सन मंडेला पैदा भी नहीं हुए थे। द वाइट स्किन पीपल्स ऑफ साउथ अफ्रीका पैस्ड अप देयर डिफरेंसेस एंड इरेक्टेड अ सिस्टम ऑफ रेसियल डोमिनेशन अगेंस्ट द डार्क स्किन पीपल ऑफ देयर ओन लैंड। यहां पर नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि जो गोरे चमड़ी के लोग थे, जो गोरे लोग थे साउथ अफ्रीका में, उन्होंने क्या कर लिया, पैस्ड अप देयर डिफरेंसेस, उन्होंने अपने जितनी भी अंदरूनी उनमें झगड़ा चल रहा था गोरे लोगों में, उन्होंने पैचअप कर लिया, उन्होंने उस बात को सुलह कर लिया और एक ऐसा सिस्टम निकाला, एक ऐसा सिस्टम इरेक्ट किया जिसमें रेसियल डोमिनेशन होता था, जातिगत भेदभाव होता था अगेंस्ट द डार्क स्किन पीपल्स ऑफ देयर ओन लैंड। जो काले लोग थे साउथ अफ्रीका के, उनके खुद के देश के जो काले लोग थे उनके खिलाफ वो क्या करते थे, भेदभाव
करते थे. द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म्ड द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्शेस्ट मोस्ट ह्यूमन इन ह्यूमन सोसाइटीज द वर्ल्ड हैज एवर नोन. नेल्सन मंडेला कहते हैं कि ये ढांचा, ये जो अपार्थेड सिस्टम इन्होंने ला दिया था जिसमें काले और गोरे लोगों में भेद होता था, इस सिस्टम ने क्या कर दिया, फॉर्म्ड द बेसिस, एक ऐसा आधार बना दिया. कैसा आधार बना दिया, वन ऑफ द हार्शेस्ट, अब तक का सबसे क्रूर, सबसे क्रूएल, मोस्ट इनह्यूमन, अब तक का सबसे अमानवीय समाज बना दिया द वर्ल्ड हैज एवर नोन. आज के पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था कि कलर के आधार पर कहीं पर भेदभाव होता हो. नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th century, और अब जब 20वीं शताब्दी का आखिरी दशक चल रहा है, आखिरी दशक का मतलब कौन सा होता है, ये 20वीं शताब्दी का आखिरी दशक 1991 से लेकर 1999 तक का जो समय होता है ये आखिरी दशक है, ठीक है. ये कह रहे हैं कि आखिरी दशक में, 20वीं शताब्दी के आखिरी दशक में, एंड माई ओन 8th decade एस अ मैन, और खुद नेल्सन मंडेला का 8वां दशक था, मतलब नेल्सन मंडेला की उम्र 71 साल से 79 साल तक थी. दैट सिस्टम हैड बीन, और इनका कहना था कि मेरा खुद, मुझे पैदा हुए 8 दशक हो गए और ये जो सिस्टम है हैड बीन ओवरटर्न्ड, और ये सिस्टम आज से कई सालों बाद ओवरटर्न कर दिया गया, बदल दिया गया, फॉर एवर के लिए, हमेशा के लिए बदल दिया गया, एंड रिप्लेस्ड बाय वन दैट रिकॉग्नाइज द राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ ऑल पीपल. और उसके जगह पर, उस अपार्थेड सिस्टम की जगह पर एक ऐसा सिस्टम लाया गया जिसमें रिकॉग्नाइज किया गया सबके अधिकारों को और सबकी आज़ादी को पहचाना गया, सबको समान अधिकार दिए गए, सबको आज़ाद किया गया, रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन. कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके स्किन का कलर गोरा है या काला है, उनको समान अधिकार दिए गए और समान तरीके से आज़ादी दी गई. दैट डे हैड कम अबाउट थ्रू द अनइमेजिनेबल सैक्रीफाइसेस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ माई पीपल. नेल्सन मंडेला कहते हैं कि ये जो दिन आया है जब डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश हो रही है साउथ अफ्रीका में, ये दिन ऐसे ही नहीं आया है, ये दिन आया है थ्रू द अनइमेजिनेबल सैक्रीफाइसेस. हम सोच भी नहीं सकते कि हमारे देश के हजारों लोगों ने कितनी बलिदाने दी हैं, अनइमेजिनेबल सैक्रीफाइसेस किया है इस दिन को लाने के लिए. पीपल हु सफरिंग, ये लोग ऐसे लोग हैं जिनके दुख दर्द को, जिनके सफरिंग को और जिनके साहस को कैन नेवर बी काउंटेड और रीपेड, ना तो गिना जा सकता है ना तो लौटा सकते हैं हम. आई फेल्ट दैट डे, मैंने उस दिन महसूस किया, एज आई हैव ऑन सो मैनी अदर डेज, जैसा कि मैं पिछले कई दिनों से महसूस कर रहा हूँ, दैट, क्या महसूस कर रहा हूँ, दैट आई वॉज सिंपली द सम ऑफ All those African patriots who had gone before me. Nelson Mandela कहते हैं, मुझे कई दिन से ये महसूस हो रहा है कि आज ये मेरी विजय नहीं हुई है, केवल नेल्सन मंडेला की विजय नहीं हुई है, बल्कि वो सारे देशभक्त जिन्होंने इस देश को आज़ाद करने में अपना जान गंवा दिया, उन सभी लोगों का विजय हुआ है, और ये मेरे रूप में उन सारे लोगों का सम, उन सारे लोगों को इकट्ठा मिला दिया जाए तो मेरा, नेल्सन मंडेला अकेला उनके लिए है, ठीक है. That long and noble line ended. और उनका आगे कहना था कि ये जो लंबी और महान लोगों की कतार थी जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया, वो लाइन तो खत्म हो गई है, लेकिन now begin again with me, अब वो फिर से शुरुआत हो गई है मेरे द्वारा, ठीक है. समझ पा रहे हो कि नहीं, नेल्सन मंडेला खुद के अंदर उन सारे देशभक्तों को देख पा रहे थे जिन्होंने बलिदान दिया था अपने देश के लिए, साउथ अफ्रीका के लिए, ठीक है. आगे वो कहते हैं, आई वॉज पेंड, मैं बहुत ही, मेरे अंदर दर्द है इस बात का कि दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक डेम, कि मैं उनका शुक्रिया अदा नहीं कर सका उनके इस काम के लिए, एंड दैट देवर नॉट एबल टू सी वॉट देयर सैक्रीफाइसेज हैड रॉट.
नेल्सन मंडेला को दो बातों का दुख था। पहला, ना तो वो शुक्रिया अदा कर पाए उन पैट्रियट्स का, और ना ही वो देशभक्त देख पाए कि उनके बलिदानों का क्या फल मिला है, क्या परिणाम निकला है। आगे देखते हैं क्या है। द पॉलिसी ऑफ अपार्थेड क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग ओंड इन माई कंट्री। ये जो सिस्टम है अपार्थेड सिस्टम, जिसमें काले और गोरे लोगों में भेदभाव होता है, ये जो सिस्टम है इसने बहुत ही गहरा और बहुत ही लंबे समय तक चलने वाला चोट दे दिया है, घाव दे दिया है मेरे देश को और मेरे देश के लोगों को। All of us will spend many years. हम सब South Africans कई साल बिताएंगे, अगर पीढ़ियां नहीं बिताएंगे तो कई साल तो बिताएंगे ही। किस लिए? Recovering from that profound hurt, इस गहरे चोट से उभरने के लिए हमें कुछ साल तो बिताना है। But the decades of operation, लेकिन इस दसों साल मतलब बहुत सारे 10 साल तक, जैसे 10-10 साल का decades होता है, ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि बहुत कई दशकों तक इस ऑपरेशन, इस दबाव और इस क्रूरता से एक अनदर इफेक्ट पड़ा है, एक अनइंटेंडेड इफेक्ट पड़ा है, मतलब जिसके बारे में सोचा नहीं गया था, ऐसा प्रभाव पड़ा है। वो प्रभाव क्या है? एंड दैट वॉज दैट इट प्रोड्यूस्ड द ओलिवर टैम्बोस, द वॉल्टर सिसुलस, द चीफ लुथिलिस, द यूसुफ डैडूस, द ब्राम फिचर्स, द रॉबर्ट सोबुक्स ऑफ आवर टाइम, मैन ऑफ सच एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज। तो इनका कहना है कि इस अपार्थेड सिस्टम ने केवल बुरा प्रभाव ही नहीं डाला, बल्कि एक अनइंटेंडेड, एक अच्छा प्रभाव भी डाला है। और वो क्या? कि ऐसे देशभक्त पैदा हुए। ये सारे देशभक्तों का नाम है ओलिवर टैम्बोस, वॉल्टर सिसुलस, ये सारे देशभक्त हैं। ये देशभक्त कैसे पैदा हुए? दशकों साल तक जो इनके ऊपर अत्याचार हुआ था, इसकी वजह से इनका जन्म हुआ। और ये कैसे आदमी थे? ये थे मैन ऑफ सच एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज, मतलब इनके अंदर साहस का पूरा भरमार था, बहुत साहसी व्यक्ति थे ये सब। ये सब हैं देशभक्त जो साउथ अफ्रीका के आज़ादी के लिए, वहाँ पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लाने के लिए उन्होंने अपनी जानों का बलिदान दिया। चलिए आगे पढ़ते हैं। करेज मतलब वो साहसी थे, विजडम विनम्र थे, और जेनरेसिटी थी उनके अंदर, काफ़ी गंभीर थे। दैट देयर लाइक में नेवर बी नोन अगेन, और हो सकता है उनके जैसे व्यक्ति अब इस धरती पर पैदा ना हो। क्यों नहीं पैदा होंगे उनके जैसे व्यक्ति? परहैप्स इट रिक्वायर्स सच डेप्थ्स ऑफ ऑपरेशन टू क्रिएट सच हाइट्स ऑफ करेक्टर, क्योंकि शायद इट रिक्वायर्स सच डेप्थ ऑफ ऑपरेशन, मतलब इतना गहराई से अगर किसी को दबाव दिया जाए, किसी को सताया जाए, तभी क्रिएट होता है इतने ऊंचे करेक्टर के व्यक्ति। मतलब इंसान की असली जो क्वालिटी होती है वो तभी निखर कर आती है जब उसके अंदर दबाव दिया जाता है, उसके ऊपर जब उसको सताया जाता है। माई कंट्री इज रिच इन द मिनरल्स, नेल्सन मंडेला कहते हैं जो मेरा देश है वो खनिज पदार्थों में बहुत धनी है, एंड जेम्स, यहाँ पर जेम्स पाए जाते हैं। जेम्स का मतलब आप समझ रहे हो ना, जो प्रीसियस स्टोन्स होते हैं, आपको कह सकते हो डायमंड, आप कह सकते हो गोल्ड कह सकते हो। तो वही नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि जो मेरी कंट्री है वो मिनरल्स और जेम्स में तो बहुत धनी है। दैट लाई बीनीथ इट्स सॉइल, जो साउथ अफ्रीका की धरती के अंदर, इसके मिट्टी के अंदर पाया जाता है। बट आई हैव ऑलवेज नोन दैट, लेकिन मैंने तो हमेशा यही जाना है कि दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज इट्स पीपल, कि किसी भी देश का जो असली धन होता है, जो असली संपत्ति होती है, वो वहाँ के लोग होते हैं। फाइनर एंड ट्रूअर देन द प्योरेस्ट डायमंड, वो इतने फाइनर, इतने शुद्ध और सच्चे होते हैं जैसे कि कोई प्योर डायमंड। आगे देखते हैं क्या है। इट इज़ फ्रॉम दीज कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज, नेल्सन मंडेला कहते हैं इन्हीं कॉमरेड्स की वजह से, इन्हीं साथियों की वजह से, जब हम संघर्ष कर रहे थे एक साथ, तो इन्हीं साथियों की वजह से आई लर्न्ड द मीनिंग ऑफ करेज, मैंने साहस का मतलब जाना।
टाइम एंड अगेन बार बार मैंने ऐसा देखा है, आई हैव सीन, मैंने ऐसा देखा है कि मेन एंड वुमेन रिस्क एंड गिव देयर लाइव्स फॉर एन आइडिया, कि जो आदमी है औरत है, मैंने कई बार ऐसा देखा है कि वो अपनी जिंदगी दांव पर लगा देते हैं, गिव देयर लाइफ, अपनी जान दे देते हैं फॉर एन आइडिया, किसी एक चीज के खिलाफ लड़ने में। जैसे यहां पर लोग किस चीज के खिलाफ लड़ रहे थे, अपार्थेड सिस्टम के खिलाफ लड़ रहे थे। आई हैव सीन मैन स्टैंड अप टू अटैक्स एंड टॉर्चर विथआउट ब्रेकिंग, मैंने कई आदमियों को देखा है कि वो खड़े रहते हैं, हमले को झेलते रहते हैं, टॉर्चर जो उन्हें सताया जाता है उसको झेलते रहते हैं विथआउट ब्रेकिंग, बिना टूटे हुए, बिना हिम्मत छोड़े हुए, शोइंग अ स्ट्रेंथ एंड रेजिलेंस दैट डिफाइज द इमेजिनेशन। और उनके इस काम से उनकी एक ऐसी हिम्मत दिखती है, उनकी एक ऐसी लड़ने की क्षमता दिखती है दैट डिफाइज द इमेजिनेशन, जो कि सोच के बिल्कुल परे है। आई लर्न्ड दैट करेज वॉज नॉट द अब्सेंस ऑफ फियर, मैंने आज तक ये सीखा है कि जो साहस होता है वो केवल डर का ना होने का नाम साहस नहीं है, बल्कि बट द ट्रिम्प ओवर इट, बल्कि जब हम डर पर जीत पा लेते हैं उसी का नाम साहस है। द ब्रेव मैन इज नॉट हु डज नॉट फील अफ्रेड, एक साहसी व्यक्ति वो नहीं होता जो डरा हुआ महसूस नहीं करता, बल्कि वो होता है जो डर पर जीत पा लेता है, कंक्योर्स दैट फियर। कंक्योर का मतलब क्या होता है, ट्रिम्फ, जीत पा लेना। ठीक है, आगे देखते हैं क्या होता है। नो वन इज बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन और हिज बैकग्राउंड और हिज रिलीजन। यहां पर कहा जा रहा है, नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होता जो पैदा होते ही किसी से नफरत करने लगे या अपने दिल में नफरत लेकर पैदा हो किसी दूसरे कलर के इंसान के प्रति, किसी दूसरे बैकग्राउंड के इंसान के प्रति, या अगर इंसान कोई दूसरे रिलीजन का है तो वो पैदा होकर ही ये नहीं सीखता कि हमें इससे नफरत करनी चाहिए। People must learn to hate, लोगों को यहां इस धरती पर आने के बाद सिखाया जाता है कि उसे किससे नफरत करनी चाहिए और किससे प्यार करना चाहिए। And if they can learn to hate, और उनका कहना है कि अगर लोगों को नफरत करना सिखाया जा सकता है, they can be taught to love, उन्हें प्यार करना भी सिखाया जा सकता है। For love comes more naturally to the human heart than its opposite। यहां पर कहा जा रहा है कि जो प्यार है ना, comes more naturally, वो प्राकृतिक है, वो अपने आप आ ही जाता है इंसान के दिल में, घृणा के बजाय। मतलब जितना नेचुरली, जितना प्राकृतिक घृणा, मतलब घृणा हम किसी से अपने आप नहीं करते हैं, किसी वजह से करते हैं, लेकिन हम प्यार किसी से अपने आप कर लेते हैं बिना किसी रीजन के। इवन इन द ग्रीमेस्ट टाइम्स इन प्रिजन्स, नेल्सन मंडेला कहते हैं, यहां तक कि एक जो हमारा बहुत दुख भरा समय था, ग्रीमेस्ट समय था, जब मैं जेल में था, 30 साल नेल्सन मंडेला जेल में थे, व्हेन माय कॉमरेड्स, आगे वो बता रहे हैं उस समय की घटना जब ये लोग जेल में थे, कह रहे हैं कि व्हेन माय कॉमरेड्स एंड आई वर पुश्ड टू आवर लिमिट्स, जब हमारे साथियों को और हमें बहुत एकदम हद तक सताया जाता था, आई वुड सी अ ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी इन वन ऑफ द गार्ड्स, मैं तब भी एक झलक देख पाया था इंसानियत की, जो गार्ड हमें मार रहा था, जो गार्ड हमें टॉर्चर कर रहा था, उसके अंदर हमने एक झलक देखी थी इंसानियत की, परहैप्स जस्ट फॉर सेकेंड, शायद एक ही सेकेंड के लिए देखी हो, लेकिन देखी तो थी, बट इट वॉज एनफ टू रीअश्योर मी, और यही काफी था मुझे फिर से दिलासा देने के लिए एंड कीप मी गोइंग, और मुझे आगे बढ़ते रहने के लिए यही काफी था कि उस गार्ड के अंदर मैंने कुछ टाइम के लिए ही इंसानियत देखी। मैंस गुडनेस इज अ फ्लेम, आगे नेल्सन मंडेला बता रहे हैं कि जो आदमी की अच्छाई है वो एक ज्वाला की तरह है, दैट कैन बी हिडन, ज्वाला का मतलब आप समझ रहे हो ना, जलती हुई आग, वो छुपाया तो जा सकता है बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड, लेकिन कभी बुझाया नहीं जा सकता। इंसान अपनी अच्छाइयों को कुछ हद तक छुपा तो सकता है लेकिन उसे खत्म नहीं कर सकता। ओरल कॉम्प्रहेंशन चेक क्वेश्चन, ये आपका आंसर होमवर्क है, मैं चाहूंगा कि आप इसके आंसर्स कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। अगला पार्ट जो कि आखिरी पार्ट होगा इस चैप्टर का, हम जल्द लेके आएंगे, तब तक के लिए जय।